नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है आपका एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान, जो रिसर्च का एक बहुत ही यूजफुल आपका काइंड होता है। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च ऐसा रिसर्च है जिसके लिए किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी बहुत ज़्यादा मतलब आपके एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती या आपको बहुत विशिष्ट समस्या की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा रिसर्च जब आप कहीं भी काम कर रहे हो उस ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से अगर आप कार्य करते हैं जिसमें आपको नवीन परिणाम मिले या उस समस्या का समाधान मिले, तात्कालिक समस्या का समाधान मिले, तो उसे कहेंगे एक्शन रिसर्च। इसका जो प्रॉब्लम होता है वो कौन सा होता है? तात्कालिक समस्या के लिए जो भी हम अनुसंधान करते हैं वो कौन सा अनुसंधान होता है? क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। इसके अगर प्रोसेस की बात करें तो पहले तो इसका प्रोसेस ये तात्कालिक तो मैंने लिखा, लेकिन इसकी पहला प्रोसेस होता है समस्या, दूसरा क्या होता है आपका कारण, तीसरा आपका क्या होता है परिकल्पना, चौथा आपका क्या होता है अभिकल्प, लास्ट आपका क्या है परिणाम। ये पांच मुख्य आपके स्टेप होते हैं किसके? एक्शन रिसर्च के। अगर एक्शन रिसर्च की बात की जाए तो एक्शन रिसर्च वह रिसर्च है जिसमें हम किसी आपके अपने जो कार्यप्रणाली उसके ड्यूरेशन में आए हुए समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में। वो वे कैसा होता है? वो साइंटिफिक वे होता है या वैज्ञानिक आपका तौर तरीका होता है। जैसा कि रिसर्च हम जानते हैं कि कोई नया ज्ञान खोजना है, किसी ज्ञान की जांच करनी हो, किसी समस्या का समाधान करना हो, तो किसी चीज़ को हम अगर फिर से खोजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसर्च, ठीक। लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं कहीं पर, क्योंकि एक्शन रिसर्च टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टीचर को कई सारी ऐसी समस्याएं जो फेस करना पड़ता है अपनी टीचिंग जो कैरियर में, तो उसको समाधान करने के लिए भी हम कभी कभी की रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च का नाम दे सकते हैं यदि वह वहाँ की तात्कालिक समस्या से संबंधित हो। बात करेंगे कि एक्शन रिसर्च के स्टेप्स की, तो आप जानते हैं कि मैंने जब बताया कि शोध के जो स्टेप होते हैं, जो चरण होते हैं, वो भी पहला क्या होता है? समस्या का चयन। क्षेत्र आप चुनते हैं और समस्या चुनते हैं। यहाँ क्या है, जैसे आप फेस कर रहे हैं कोई इस कमरे में जब भी जो भी एग्ज़ाम देता है वो उसको कम नंबर मिलते हैं, ठीक है, ऐसा इस रूम में क्या अशुभ जैसा है कि इस रूम में एग्ज़ाम देने से बच्चों कम नंबर मिलते हैं, तो आप रिसर्च करते हैं उस समय क्या हो सकता है, यहाँ की बेंच भूत ऊत नहीं, यहाँ की बेंच जो है ऊँची नीची हो, तो हो सकता है यहाँ पे बैठने का व्यवस्था जो है वो नहीं सही हो, हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती हो एग्ज़ाम देने में या लाइट की व्यवस्था ना हो, या हो सकता है कि बच्चों को यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होता हो, तो ऐसी समस्या, समझ रहे हैं ना, तात्कालिक परिस्थिति, वो जो करंट आपका जो स्थान है वर्किंग का, वहाँ पे अगर कोई ऐसी समस्या आप फेस कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमैटिक वे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। इसका हमें यही पॉइंट समझने का प्रयास करना है कि ये करते क्यों हैं। तो करते क्यों हैं, आपको बताया कि जब हमारे सामने हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी कार्यप्रणाली है उसके ड्यूरेशन में अगर हमने कोई समस्या फेस की, तो वो समस्या आपकी कैसे समस्या होती है? तात्कालिक समस्या या परिस्थितिगत समस्या, ठीक। हम उसको सॉल्व करना शुरू करते, तो हम पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, मतलब हम उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा हमारा स्टेप क्या हुआ? हम समस्या जान गए कि हाँ यहाँ पे समस्या यह है कि इस कमरे में बच्चे जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनका नंबर कम आता है, भले वो बच्चा अन्य दूसरे रूम्स में एग्ज़ाम देता तो बहुत ज़्यादा आता। तो हम क्या करते हैं? कारण का पता लगाते हैं। तो कारण का पता लगाते हैं, तो हम बेंच देखेंगे, डेस्क देखेंगे, लाइट की व्यवस्था देखेंगे, यहाँ का एटमॉस्फेयर, स्मेल, हर चीज़ देखते हैं। तो हो सकता है हमें कारण ये मिला है कि जिस पे लिखते हैं वो हमारा सिस्टम जो है वो सही नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमने कारण आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हम एक परिकल्पना बनाते हैं कि बच्चों के कम नंबर प्राप्त करने के पीछे जो कारण है वह है यह डेस्क बेंच, ठीक। तो हमने परिकल्पना बनाई कि अगर इस डेस्क बेंच को बदल दिया जाए तो बच्चे जो उपलब्धि प्राप्त करते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। फिर
हमने परिकल्पना बना दी तो परीक्षण करेंगे, तो परीक्षण करेंगे ठीक है। तो परीक्षण में क्या करेंगे, अभिकल्प जो हमारा बनता है तो हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, तो विधि हमारी क्या है, अनुसंधान विधि कौन सी है, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत हम किसी विधि से, ऐसे सर्वे मेथड करेंगे बच्चों से, या किसी भी प्रश्नावली देंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे जिससे बच्चे क्या करें, बता सकें कि हाँ उसको, उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो उसमें हम क्या लेंगे, जनसंख्या लेंगे। अब यहाँ विधि हो गया ठीक, मेथड हो गया, तो यहाँ हम जनसंख्या लेंगे जिस पे हम जनरलाइज करेंगे स्कोर को। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि जो जनसंख्या होती है वो लिमिटेड वो क्लास होती है या वो विद्यालय होता है, ये पूरे जैसे जौनपुर ज़िले पे या इलाहाबाद पे या पूरे भारत पे नहीं हम लागू कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो प्रॉब्लम वहाँ की स्थानीय प्रॉब्लम है। तो ज़रूर नहीं कि हर जगह वो प्रॉब्लम के जो आप सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वो सब पे लागू हो जाए। तो यहाँ जो जनसंख्या होती है उसका जो आपका पॉपुलेशन का जो एरिया होता है वो शॉर्ट होता है ठीक। तो जनसंख्या हमने करी, फिर हम उसमें से सैंपल लेते हैं, क्या न्यादर्श, न्यादर्श लेते हैं कि जिन पे हमें अध्ययन करना, मान लीजिए 30 बच्चों को ले लिया हमने, फिर क्या करते हैं न्यादर्शन, न्यादर्शन में क्या करेंगे, कौन सी विधि से लिया, लॉटरी विधि से लिया, प्रसंभावित असंभावित किसी भी विधि से हम उसको ले लेते हैं। फिर आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, फिर हम क्या करते हैं जब हमारा विकल्प हो जाता है तो हम परीक्षण करते हैं और उसका आउटकम निकालते हैं, विश्लेषण करते हैं चीज़ों को, और हम रिजल्ट निकालते हैं कि ये रीज़न है बच्चों के कम नंबर लाने का। तो ये आपका जो शोध कहा जाता है वो है एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज अ टीचर है, क्योंकि टीचिंग जो स्किल होती है या टीचिंग जो आपका कैरियर होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, और सबके लिए हर कोई अनुसंधान नहीं करके बैठा होता है। आपके स्कूल में कैसे डेस्क बेंच हैं ये ज़रूर नहीं कि दूसरे क्लास में या दूसरे स्कूल में भी वैसे हो। तो यहाँ तात्कालिक समस्या की बात की जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हर एक अध्यापक एज अ रिसर्चर देखा जाता है और हर अध्यापक को ये ज्ञान होना चाहिए कि क्रियात्मक अनुसंधान कैसे किया जाता है, कैसे उसका मतलब हम अध्ययन करते हैं और कैसे परिणाम को प्राप्त करते हैं। हाँ, पॉपुलेशन क्या होती है जिस पर जनरलाइज करते हैं वो आपको बताया कि उसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, तो इसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले रिसर्च के बारे में अध्ययन करेंगे।